नमस्कार, मेरा नाम विनोद चंदन, आपका इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। ये आज का वीडियो है कंडेंसेड ड्रेन पंप्स के बारे में, उनका जो बेसिक्स है हमें उसके बारे में समझना है। आजकल अगर आप देखा जाए तो कंडेंसेड ड्रेन पंप एयर कंडीशनिंग में एक आम बात हो गई है, तो इसके बारे में हमें जानना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। हमारे पास बहुत जन आते हैं, ड्रेन पंप्स आजकल कैसे मांगते हैं, एक ड्रेन पंप दीजिए। तो इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि एक महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद किसी में नॉइस प्रॉब्लम आता है, कभी ड्रेन पंप डेड हो जाता है, फूक जाता है। तो ये सब चीज अवॉइड करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको 10 पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिसे आपको पहले जानना है ऑर्डर करने से पहले। तो आइए मैं 10 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम 10 पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसे आपको बहुत गहराई से समझना है ड्रेन पंप ऑर्डर करने के पहले। पहला पॉइंट, अगर आपके पास ग्रेविटी या स्लोप है तो आपको पंप की जरूरत नहीं है, प्लीज आप मत ऑर्डर कीजिए। दूसरा पॉइंट, आपका क्या एप्लीकेशन है, अगर आपको कैसेट यूनिट के लिए ड्रेन पंप लगाना है, या फिर हाई वॉल यूनिट्स के लिए ड्रेन पंप लगाना है, या AHU के लिए, या प्रिसिशन AC के लिए लगाना है, वो आपको पहले कंफर्म करना है। तीसरा पॉइंट, आपको ये पंप से कितना पानी बाहर फेंकना है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, वो अभी इस वीडियो में हम नहीं जाएंगे। तो मैं आपको एक थंब रूल बताऊंगा, थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड पे है बट वो हमारा काम कर जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपका 1 टन का मशीन है तो आपको इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2.5 लीटर्स पर आवर। ऐसे ही अगर आपका 2 टन का मशीन है तो आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 5 लीटर पर आवर पानी बाहर फेंकने का रिक्वायरमेंट है। अगर आपका 8-8.5 टन का मशीन है, डक्टेबल मशीन है, तो इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया करीबन 20.25 लीटर्स पर आवर। तो इसका मतलब है एक 8.5 टन का मशीन करीबन 21 लीटर पानी 1 घंटे में उसे बाहर फेंकना है, तो वो हिसाब से हम उसको ड्रेन पंप को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। अभी पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है ये है सक्शन। सक्शन मींस आपको कितना ऊपर पानी खींचना है पंप को। मैं आपको एक स्केच बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका ये रहा फॉल सीलिंग और ये रहा आपका हाई वॉल यूनिट, और आपको समझो यहां पे आपको पंप लगाना है। ये आपका ये हाई वॉल यूनिट का ड्रेन का आउटलेट हो गया, ये ड्रेन का आउटलेट, आप इसको इसे रिजर्वायर में लगा देंगे, रिजर्वायर से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा ड्रेन पंप में, राइट। ये हो गया आपका सक्शन और यहां से फिर आपका डिस्चार्ज चले जाएगा पंप का डिस्चार्ज पाइप। तो ये जो पंप है यहां से लेके ये जो रिजर्वायर का लेवल है, पंप से लेके रिजर्वायर का लेवल, इसे कहते हैं सक्शन। तो आपका ये 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, आपका साइट के ऊपर डिपेंड है। तो ये सक्शन हो गया। तो ये पॉइंट नंबर 4 है सक्शन। पॉइंट नंबर 5 डिस्चार्ज। तो आपको ये भी पता करना है आपको पानी कितना ऊपर फेंकना है, 2 फीट फेंकना है, 5 फीट फेंकना है, 10 फीट फेंकना है, 20 फीट फेंकना है। तो ये डिस्चार्ज हो गया। तो ये भी आपको डिटेल आपको पंप ऑर्डर करने के टाइम देना जरूरी है। ये हो गया 5वां पॉइंट। और ये 6 पॉइंट है ऑपरेशंस। तो कोई कोई पंप होता है नॉर्मल ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए नॉर्मली 8-10 घंटे चलता है, और कोई एप्लीकेशन होता है सर्वर रूम के लिए, प्रिसिशन एसी के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, जहां पे ये 24 घंटे चलेगा। तो अगर वो पंप अलग पंप होते हैं, उसका जो मोटर रेटिंग होता है वो अलग रेटिंग होता है, तो वो भी आपको बताना जरूरी है, अदरवाइज आपका पंप आगे जाके फेल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ओके, 7वां पॉइंट है वोल्टेज। नॉर्मली अगर आप सिटी में लगाते हो तो 220 वोल्ट प्लस माइनस 10% होता है,
या 5% या 10% होता है, बट अगर आप कहीं पे आउटस्कर्ट्स में लगाते हो या कहीं कंट्री साइड पे लगाते हो या थोड़ा गांव एरिया में लगाते हो तो वहां पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, तो आपको वो बताना जरूरी है, अदरवाइज आपका पंप बार बार फेल होता रहेगा। ओके, आठवां पॉइंट है आपका अलार्म या बीएमएस। तो ऐसे भी पंप्स है जहां पे आपको इनपुट मिल जाएगा, अगर कुछ पंप खराब है तो आपको इनपुट मिल जाएगा पंप खराब है करके, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो आपके बीएमएस से या आपके कंप्यूटर से, एनीथिंग वो जो जैसे भी आप कर सकते हो। तो ये अगर आपके जरूरत है तो आपको पहले ही बताना है। नवा पॉइंट है सर्विस स्पेस। तो अगर आपको यहाँ पे सर्विस स्पेस मिल रहा है, आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट आपको सर्विस स्पेस दे रहा है पंप को सर्विस करने के लिए, तो आप तो ये पंप सिलेक्ट कर सकते हो। मगर कोई कोई आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट आपको सर्विस स्पेस नहीं देता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, ऐसा पंप सिलेक्ट करना है जो कहीं दूर जाके आप लगा सकते हो, लाइक एएचयू रूम हो गया या बाहर कंडेंसिंग यूनिट में आप लगा सकते हो। तो वो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आगे जाके आप उसे सर्विस नहीं करोगे तो आपका पंप फेल होने की चांसेस बढ़ जाती है। ओके, लास्ट पॉइंट नंबर 10 जो है आपका बजट। अगर आपका बजट टाइट है तो आप अपना जो कन्वेंशनल टाइप पिस्टन टाइप पंप है वो यूज कर सकते हैं, बट अगर थोड़े से फ्यू हंड्रेड रुपीज ज्यादा अगर आप बेयर कर सकते हो तो नया टेक्नोलॉजी का आप ये डायफ्राम पंप यूज कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत ड्रेन पंप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे वन वर्किंग वन स्टैंड बाय हुआ, बॉटम इनलेट टैंक पंप्स के बारे में हुआ, और ये ड्रेन पंप जिससे आपको सिर्फ ट्रे में रखना है और सिर्फ डिस्चार्ज पाइप से आपको पानी को बाहर फेंकना है, ड्रेन टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे जो एक टैबलेट आपको सिर्फ एक महीने के ट्रे में रख देना है और एक महीना चलता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल टैबलेट्स है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पंप्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, तो आने वाले जो भी हमारे वीडियो हैं आप तक पहुंचेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।